तो पैसे तो हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन कई लोग मिलीनियर बिलीनियर बनना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं मिलीनियर किसे कहते हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। मिलीनियर एक अमेरिकन टर्म है। अमेरिका के अकॉर्डिंग जिस भी व्यक्ति की संपत्ति या उसके घर, जमीन, गाड़ी को मिलाकर $1 मिलियन या $10 लाख हो या उससे ज़्यादा हो, उसे मिलीनियर कहते हैं। इंडियन करेंसी में बात करें तो $1 मिलियन या $10 लाख इज इक्वल्स टू $1 × 10 लाख। अभी $1 की वैल्यू 73 रुपये है, मतलब 73 × 10 लाख इज इक्वल टू 7.3 करोड़। इसका मतलब जिस भी व्यक्ति के पास 7.3 करोड़ रुपए है वह मिलियनर है। हो सकता है जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हो उस समय $1 की वैल्यू कुछ और हो, जैसे $1 की वैल्यू 80 रुपये हो, 60 रुपये, 70 रुपये हो। आपको सिंपली $1 की वैल्यू को 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको पता चल जाएगा उस समय मिलियनर बनने के लिए कितने रुपये चाहिए। जैसे मान लो उस समय $1 की कीमत 70 रुपये है, तो 70 × 10 लाख इज इक्वल टू 7 करोड़, मतलब आपको 7 करोड़ रुपये चाहिए मिलियनर बनने के लिए। अगर आप भी मिलियनर बनना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना।